नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा और मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। कार में रखी पानी की बोतल क्या कैंसर की वजह बन सकती है? सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में इसे लेकर लगातार दावे हो रहे हैं। क्या है इन दावों की सच्चाई? हमने इसकी पड़ताल की। क्या प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना बन सकता है कैंसर की वजह? क्या कार में लंबे वक्त तक रखी वाटर बोतल है कई बीमारियों की वजह? क्या गर्मी से राहत देने वाली ठंडे ठंडे पानी की बोतल ब्रेस्ट कैंसर की वजह है? क्या आपका प्लास्टिक या टिफिन बॉक्स आपको कैंसर का रोगी बना रहा है? क्या माइक्रोवेव में गर्म किया जा रहा खाना आपको कैंसर का मरीज बना सकता है? ये वो सवाल है जो उस वायरल मैसेज की वजह से उठे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि कार में रखी प्लास्टिक की बोतल जब धूप या तापमान की वजह से गर्म होती है तो प्लास्टिक में मौजूद नुकसानदेह डाइऑक्सीन का रिसाव शुरू हो जाता है। ये डाइऑक्सीन पानी में खुलकर हमारे शरीर में पहुंचता है। डाइऑक्सीन कोशिकाओं पर बुरा असर डालता है। इसकी वजह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये वायरल मैसेज बेचैन करने वाला है, क्योंकि आजकल प्लास्टिक इंसानी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा इंसानी सेहत से जुड़ा है, इसलिए हमने इस मैसेज का सच जानने का फैसला किया। अब हमने प्लास्टिक के इंसानी सेहत पर पड़ने वाले असर की पड़ताल शुरू की। हमने अपनी रिसर्च टीम की मदद ली। इंटरनेट पर हमें प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के तमाम पोस्ट और खबरें मिली। न्यूज नेशन की रिसर्च टीम से हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को माना है कि सभी तरह के प्लास्टिक एक वक्त के बाद केमिकल छोड़ने लगते हैं, खासकर जिन्हें गर्म किया जाता है। फ्रांस में प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप प्लेट के यूज पर बैन लगा दिया गया है। कुछ दूसरे यूरोपीय देश भी ऐसी ही प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा शरीर प्लास्टिक केमिकल को अपने अंदर सोखता है। 6 साल से ऊपर के 93% अमेरिकियों में प्लास्टिक केमिकल BPA पाया गया है। BPA इज ऑल्सो कंपाउंड विच इज रिलीज्ड वेन दीज मटेरियल्स आर, उनको हम जब गर्म करने के लिए यूज़ में लेते हैं, वो चाहे माइक्रोवेव में लें या फिर कोई गर्म पदार्थ अपन उसके अंदर रख के पिएं या खाएं या यूज़ में लें, या स्पेशली लाइक साइट्रिक एसिड रिलेटेड मटेरियल अपन यूज़ में लेते हैं, जैसे घर में अचार अपन यूज़ में लेते हैं, घर में सॉस बनाते हैं अपन प्लास्टिक के कंटेनर में रख लेते हैं, तो कोशिश करें कि BPA फ्री रहे। लेकिन अब तक हमें उस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि क्या कार के अंदर प्लास्टिक की बोतल में रखा पानी कैंसर की वजह बन सकता है। हमने ये सवाल डॉक्टर प्रवेश मेहरा से पूछा। पानी भरी हुई और गाड़ी में छोड़ दिया गर्मियों में, तो ये तो रीजन है, बिकॉज हर एक बोतल में लिखा हुआ ओपनली होता है कि दिस बोतल हैज टू बी कंज्यूम विद इन अ सर्टेन टाइम, एक उसका टाइम फ्रेम होता है। इसीलिए वो टाइम फ्रेम होता है कि वो अगर पानी उस बोतल में रह जाता है उस समय के बाद तक, तो जो टॉक्सिन जो प्लास्टिक से निकल रहे हैं वो उसमें अब्सॉर्ब हो जाएंगे, जब हम पियेंगे तो हमारी बॉडी में आएंगे। और उसमें ये भी होता है कि कीप इन अ कूल प्लेस, और आपने रख दी उसको गर्मी एक गाड़ी के अंदर जो बंद है, और जब एक गाड़ी बंद है और धूप में खड़ी है तो इट इज़ लाइक एन ओवन, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और हायर टेम्परेचर जो करेगा तो ये प्लास्टिक को डिग्रेड करके अगेन बिकम सॉल्युबल इन दैट वाटर और हम पानी पी रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दी फैक्टर बट नॉट दी ओनली फैक्टर टू कॉज कैंसर, नॉट दी ओनली कॉज बट वन ऑफ द मेजर कॉजेज, और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई होगी जरूर। डॉक्टर ने यह साफ कर दिया कि कार में लंबे वक्त तक रखी बोतल का पानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यही कैंसर की वजह हो इस तरह की कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हमने कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर R.K. चौधरी से भी इस बारे में सवाल किया कि आखिर प्लास्टिक इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्लास्टिक में कुछ रसायन होते हैं, ऐसे में प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। चाय या दूसरी खाने पीने की चीज़ों का प्लास्टिक के बर्तनों से संपर्क बहुत कम समय के लिए होता है, ऐसे में ये कितना असर डाल पाता है ये कहना मुश्किल है। इवन दो अभी तक कोई ऐसे रिसर्च में इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन
दैट दे आर कार्सिनोजेनिक या इन कंपाउंड्स को कहीं कार्सिनोजेनिक लेबल नहीं मिला है, बट यस देर आर चांसेस कि ये रिलीज होते होंगे और दीज मे बी कार्सिनोजेनिक, सो इनफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। कैंसर एक्सपर्ट ने हमें ये भी कहा कि प्लास्टिक के बोतल या कंटेनर में पानी पीने और रखने से कैंसर का कितना खतरा है। इसका कोई सबूत या रिसर्च मौजूद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जितना प्लास्टिक के बर्तनों का खाने में कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। वी कैन प्रिवेंट दिस वाटर टू लाइन दैट बॉटल, अगर हम वो पानी को उस बोतल के अंदर कम समय के रखें और ठंडी जगह रखें, धूप में ना रखें, तो इससे कैंसर फिर हम बच सकते हैं। हमारी अब तक की पड़ताल में ये सामने आ चुका है कि प्लास्टिक से इंसानी सेहत को कितना नुकसान पहुंचता है। इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, जानकारों की भी इस पर अलग अलग राय है, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में गर्म सामान रखने पर उसमें थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन केमिकल मिल जाता है, तो इससे बचने की ज़रूरत है। तो हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि कार में रखे प्लास्टिक की बोतल के पानी को कैंसर की वजह बताना सही नहीं, इसका कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। हाँ, इतना साफ है कि जितना हो सके प्लास्टिक के बर्तन में खाने पीने से परहेज करना चाहिए। टीम न्यूज नेशन। क्या महज एक रुपए का रोजाना दान हमारे देश की सेना को ताकतवर बना सकता है? क्या कैबिनेट ने इससे जुड़ा कोई अहम फैसला लिया है? सोशल मीडिया पर इस तरह का एक मैसेज वायरल हो रहा है, क्या है इस वायरल मैसेज की सच्चाई? इसकी पड़ताल न्यूज नेशन ने की। क्या हर दिन भारतीय सेना को एक रुपए का दान सुपर पावर बना सकता है? क्या केंद्र सरकार ने इससे जुड़ा कोई बड़ा फैसला किया है? क्या दान के पैसे से भारत सरकार खरीदेगी हथियार? क्या चंदे के पैसे से सरकार खरीदेगी फाइटर प्लेन, तोप और कारतूस? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में सेना से जुड़ा एक बड़ा दावा किया जा रहा है। ये मैसेज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर रहा है। इसके पास भी ये मैसेज पहुंच रहा है, वो इसे लाइक और शेयर किए बिना नहीं रह रहा है। इस मैसेज में किए जा रहे दावे के मुताबिक मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में भारतीय सेना की आधुनिकता और सेना के जवानों जो कि युद्ध क्षेत्र में घायल होते हैं या शहीद होते हैं उनके लिए एक बैंक अकाउंट खोलने को मंजूरी दे दी है, जिसमें हर भारतीय अपनी स्वेच्छा से कितना भी दान दे सकता है, जो कि एक रुपए से शुरू होकर असीमित है। इस पैसे का प्रयोग सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए हथियार खरीदने में भी होगा। सोशल मीडिया पर वायरल ये मैसेज सेना से जुड़ा था, लिहाजा हमने अपनी पड़ताल का आगाज डिफेंस मिनिस्ट्री से किया। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज की तहकीकात करने के लिए हम आ पहुंचे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री इसलिए आ पहुंचे हैं क्योंकि ये जो मैसेज है इसमें सेना के बारे में जानकारी दी गई है। अब इस मैसेज की हकीकत क्या है, इसमें जो तथ्य दिए गए हैं क्या वाकई वो सही हैं या गलत हैं, सेना के अधिकारियों से मिलने के बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस मैसेज की हकीकत क्या है, क्या वाकई इसके अंदर जो तथ्य दिए गए हैं वो सही हैं या गलत। अपनी पड़ताल के आगाज में हमने वायरल मैसेज पर फोकस किया। सोशल मीडिया पर वायरल ये मैसेज आम मैसेज से काफी बड़ा था। इस मैसेज के मजमून पर मत जाइएगा, इस मैसेज में सेना से जुड़ी कई और बातें कही गई हैं। मैसेज में दावा किया गया है कि मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, अब भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैसेज के दावे के मुताबिक भारत की 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में से अगर 70% भी सिर्फ 1 रुपया इस फंड में रोज डालते हैं तो वो 1 रुपया एक दिन में 100 करोड़ होगा, 30 दिन में 3,000 करोड़ और 36,000 करोड़ एक साल में। मैसेज में दावा किया गया है कि 36,000 करोड़ तो पाकिस्तान का सालाना रक्षा बजट भी नहीं, इसलिए सिंडिकेट बैंक के आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअलिटीज अकाउंट में आप दिल खोलकर दान दें। हमने इंटरनेट पर इस वायरल मैसेज से जुड़े दावे की पड़ताल शुरू की।
सबसे पहले हमने पाकिस्तान के सालाना रक्षा बजट की जानकारी जुटाई। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि साल 2016-2017 के लिए पाकिस्तान का रक्षा बजट 8.2 अरब डॉलर था, यानी करीब 57,000 करोड़ रुपए। मतलब वायरल मैसेज में किया जा रहा एक दावा तो गलत निकला। अब हमने वायरल मैसेज में उस दावे की पड़ताल शुरू की जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सरकार ने आर्मी वेलफेयर के लिए एक बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मिलने के बाद हमने ये दस्तावेज हासिल किया। ये दस्तावेज सरकारी दस्तावेज है जिसे सेना ने जारी किया था, और इस दस्तावेज में जो अकाउंट नंबर दिया गया है ये ठीक वही अकाउंट नंबर है जो वायरल मैसेज में भी दिया गया है। यानी सेना ने सिंडिकेट बैंक में एक अकाउंट ओपन किया है जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति पैसा जमा करता है तो वो सीधे तौर पर आर्मी के अकाउंट में जाता है और आर्मी के वेलफेयर में इस्तेमाल होगा। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोगों ने इच्छा ये जाहिर की थी कि वो सेना के जवानों की आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं। उसके बाद सेना ने ये अकाउंट ओपन किया था। हमने तथ्यों की पड़ताल की और वायरल मैसेज में जो अकाउंट नंबर दिया गया है वो भी सिंडिकेट बैंक का है, और आर्मी ने जो अकाउंट ओपन किया है वो भी सिंडिकेट बैंक का है। यानी हमारी पड़ताल में ये तथ्य पूरी तरीके से सच साबित हुआ है, क्योंकि अकाउंट नंबर दोनों सेम है और इसे सेना ने ही ओपन किया है। जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ रही थी साफ होता जा रहा था कि वायरल मैसेज में सच और झूठ को एक साथ मिलाया गया है। हमारे अब तक की पड़ताल में ये तो साफ हो गया था कि वायरल मैसेज में दिया गया बैंक अकाउंट नंबर सही है। इसमें दान दिया गया पैसा आर्मी के रिलीफ फंड में ही जाता है, लेकिन क्या इस खाते में डाले गए पैसे से भारत सरकार हथियार भी खरीदेगी? अब बारी थी वायरल मैसेज के उस हिस्से की पड़ताल करने की जिसमें कहा गया था कि अगर हर भारतीय सेना के वेलफेयर फंड में अगर 1 रुपये जमा करता है तो पूरे साल में 36,000 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे और इन पैसों से सेना का साजो सामान खरीदा जाएगा। जब हमने वायरल मैसेज के इस हिस्से की पड़ताल की और सेना के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि ये पूरी तरीके से गलत है। यानी न्यूज़ नेशन की पड़ताल में वायरल मैसेज का दूसरा हिस्सा पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद पाया गया। सेना के अधिकारियों का ये मानना है कि वेलफेयर फंड में जो पैसा जमा होता है वो पूरी तरीके से सेना के वेलफेयर में इस्तेमाल होता है और इन पैसों से साजो सामान नहीं खरीदा जाता है। तो हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज का ये हिस्सा पूरी तरीके से गलत पाया गया। ये बड़ा सवाल था। न्यूज नेशन की पड़ताल में ये सामने आया कि वायरल मैसेज में कुछ दावे तो सही हैं, लेकिन कुछ बेबुनियाद। दिल्ली से रविकांत के साथ टीम न्यूज नेशन। कोई इंसान पानी पर चल सकता है? क्या दौड़कर नदी पार की जा सकती है? क्या कोई शख्स स्विमिंग पूल में आराम से चल सकता है? सोशल साइट्स पर ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। इन तस्वीरों के पीछे कोई जादू है या विज्ञान? क्या समंदर बन सकता है सड़क? क्या पानी पर चलते इंसानों की तस्वीरें वाकई सच्चाई हैं? क्या वाकई ऐसी कोई तकनीक है जो इंसान को ऐसी शक्ति दे सकती है? क्या वाकई इंसान ने वो हुनर सीख लिया है कि वो पानी पर भी चल सके? किससे कहानियों में खूब सुना, रुपहले पर्दे पर भी देखा, लेकिन अब कई सोशल साइट्स पर ऐसी ही तस्वीरें वायरल की जा रही हैं जिसमें एक शख्स पानी पर यूं चल रहा है मानो किसी सड़क पर चल रहा हो। सवाल ये था कि जिस पूल में लोग स्विमिंग कर रहे हैं वहां कैसे ये शख्स पानी पर आसानी से चल रहा है? क्या ये जादू है? क्या ये नजरों का धोखा है? क्या विज्ञान ने कोई ऐसा जूता बना लिया है जिसे पहनकर इंसान पानी पर चल सके? इस तरह की बातें किस्से कहानियों में खूब सुनी गई। मान्यता है कि त्रेता युग में लंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु बनाया गया। पानी पर चलने का सबसे मशहूर किस्सा ईसा मसीह के बारे में बताया जाता है। आस्था इसे दैवीय चमत्कार से जोड़ती है। विज्ञान कहता है कि अगर कोई इंसान 67 मील यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी पर चलने या दौड़ने की ताकत रखता है तो वो बिना किसी सहारे के नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ सकता है। लेकिन इस रफ्तार को छूना इंसान के वश की बात नहीं,
दुनिया के सबसे तेज रनर कहे जाने वाले उसैन बोल्ट भी अब तक इसकी आधी दूरी तय नहीं कर सके हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसका अपना एक वेट होता है और उस अपने वेट को लेकर पानी में कैरी नहीं कर सकता, बिकॉज उस स्टैंडिंग पोजीशन में उतना पानी वो नहीं हटा सकता जिससे कि पानी में तैर सके। यह वीडियो लंदन की मशहूर टेम्स नदी का है। इस पर अंग्रेज जादूगर डायनेमो पानी पर चलते हुए दिखाए गए। ये क्लू हमें जादू की दुनिया में ले गया। अब तक हम ये समझ चुके थे कि ट्रक का इस्तेमाल कर जादूगर हमारी नजरों को धोखा दे सकते हैं। जादू में किसी भी प्रकार का मंत्र और तंत्र नहीं होता है, हाँ यंत्र अवश्य होते हैं। तो सब चीजों के मिश्रण को मिलाकर मैजिक कहते हैं। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। पानी पर चलने के लिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी बेहद मददगार साबित होती है। ये फ्लूइड पानी पर कुछ वक्त के लिए ठोस आधार बना देता है जो बेहद कम वक्त के लिए मामूली दबाव सहने की ताकत रखता है। हालांकि ज्यादा देर तक इसके सहारे पानी पर चला नहीं जा सकता। जाहिर है ट्रक के जरिए इस तरह का करतब दिखाया जा सकता है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो चुका है कि इस तरह की तस्वीरों के पीछे ना तो कोई विज्ञान है और ना ही एडिटिंग का कमाल, ये सिर्फ नजरों का धोखा है। टीम न्यूज नेशन। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।